वो चीज़ अच्छी है। चलो जीजा के पिज़्ज़ा खाने चले। हाँ, उनके पास वीडियो गेम्स भी हैं। आरजे, पिज़्ज़ा के लिए आटा कम तो नहीं पड़ जाएगा ना? और ड्रिंक्स भी चेक कर लो। पता नहीं आखिर इतने बच्चे आए कहाँ से? जानते हो क्या हुआ है? पड़ोस में नई खिलौने की दुकान खुलने से हमारा होटल भी चल निकला। इस तरह तो 5 साल के अंदर मैं सारा कर्जा उतार दूंगा। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी। शायद 6 साल। अब मैं अपने अंदर छिपे लायन की पूरी ताकत लगा दूंगा। एक बार और। वाह, इस खूनी पंजे की मदद से कार्निसोर अपनी कब्र से उठकर चला आएगा। मेरे नए मास्टर हाजिर हो। बढ़िया, मैं हूँ कार्निसोर स्काई ओवरलॉर्ड। मुझे किस लिए बुलाया गया है? तुम्हें परखने के लिए। मेरी शक्ति का सामना करो। तुम नहीं जीत सकते। मेरी कोशिश खत्म नहीं हुई। अपनी कोशिश तेज कर दो। ब्लैक लायन छप दो। नहीं, अभी तक नहीं। मैं पूरी शक्ति आजमाऊंगा। ब्लैक लायन वॉरियर क्लोज ऑफ फायर। तुम शक्तिशाली हो मास्टर, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। और तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो, पर अभी भी तुम्हारे अंदर एक आम आदमी का दिल है। उसी की अच्छाइयाँ तुम्हें एक खतरनाक शैतान बंदे से रोक रही हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए मास्टर? मेरे साथ चलो। हम दोनों तुम्हारे अतीत में जाएंगे और तुम्हारी इंसानियत खत्म कर देंगे। चलो शुरू करें। जल्दी यहाँ आओ रिची। तुमने बुलाया? आ गए तुम। माफ करना, मुझे देर हो गई। असल में मेरा प्राइवेट जेट ठीक होने गया था। अपने बहाने अपने पास रखो, वरना बहाने बनाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगा मेरी प्यारी छिपकली। दाइशी चाहते हैं कि इंसानों का नामो निशान मिट जाए। फैला तो अपनी गंदगी चारों तरफ। हाँ जरूर, मेरी हैवानियत इंसानियत को मिटा देगी। लो, हम पहुंच गए। जल्दी करो, आगे जाओ। मैं बचपन में यहीं पढ़ता था। हाँ, और वो छोटा सा बच्चा तुम हो। ये मैं हूँ। चलो, मुझे जवाब मिल गए। मुझे ये दिन याद है, हमारा टेस्ट होने वाला था और बिली ने सारे जवाब चुरा लिए थे। पर तुमने उन्हें देखा तक नहीं, ऐसा क्यों? मैं चीटिंग करना नहीं चाहता था, वो गलत है। अगर तुमने चीटिंग की होती तो कभी फेल न हुए होते। अब वक्त है सही फैसला लेने का। नहीं। ये मुझे दो। शैतान तुम पर कब्जा कर रहा है।
नहीं रुको, इस गेम ने तो मेरे पैसे बिगाड़ दिए। हाँ, क्योंकि मशीन खराब है, यहाँ लिखा था, शायद मिट गया। मेरा सिक्का। सॉरी बच्चे, रिफंड नहीं मिल सकता, नियम है। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? हे, वो पैसे मेरे हैं। भाई जरा आराम से। रुक जाओ। ए, मेरे गुब्बारे। अब कहाँ जाओगे बच्चे? तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरी टिप चुरा कर भागे, गलत बात। रिफंड नहीं होता, ये नियम है। अच्छा, तो ये सब इसलिए था, तुम्हें वो पतंग चाहिए थी ना? सिर्फ $5 की बात है, इसमें क्या है? कोशिश करता हूँ समझने की। मेरा नाम केसी है। जॉश। मिलकर अच्छा लगा जॉश। जानते हो, जब मैं छोटा था मुझे स्केटबोर्ड पसंद था और किसी भी कीमत पर चाहिए था। मुझे लगा मैं इसे खरीद लूं, पर पैसे नहीं थे मेरे पास। तो तुमने इसे कैसे खरीदा? एक पल के लिए लगा क्यों ना किसी के यहाँ चोरी कर लूं, पर फिर कई हफ्तों तक अपने पड़ोसी के बगीचे की घास काटी ताकि पैसे इकट्ठे कर सकूं। याद रखना, सही रास्ता और आसान रास्ता शायद ही कभी एक जैसे हो। मर्जी तुम्हारी है। खतरनाक है दोस्तों। आ गए तुम लोग, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। हर बार ये नए नए शैतान मुझे हैरान कर देते हैं। तुमने सही कहा लिली। हाँ, कम ऑन दोस्तों, जंगल चक्स। सब उस पर लगे कीचड़ की वजह से है। जंगल चक्स। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कीचड़ ही कीचड़। इससे बच सको तो बच कर दिखाओ। ये शैतान सिर पे रहा है, चलो इसे वहीं भेज दे जहाँ से ये आया है। अब आएगा असली मजा। अजय,
इतनी गंदगी, ये मेरा घर है। सॉरी। इस कीचड़ भरे शैतान को हराना नामुमकिन है। वो पूरे शहर में गंदगी फैला रहा है। केसी कहाँ है? उसे कुछ जरूरी काम है। खैर, इससे पहले कि ये गंदा शैतान अपनी गंदगी से इस शहर को गंदा करे, कुछ न कुछ तो सोचना होगा ने? आओ बैठो, नाश्ता करो। हाँ, ठीक है। तो कुछ याद आया? हाँ, मैं इस फार्म के नजदीक ही रहता था। ये लोग अच्छे लोग हैं। हमें इसी अच्छाई को मिटाना है। ये परिवार बहुत अच्छा था। जब मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर होते थे, ये मुझे अपने फार्म में घुड़सवारी करने देते थे। अच्छे लोग थे। मुझे याद है, जब मिस्टर फिशर की नौकरी चली गई, उनके परिवार से सब छीनने वाला था, तब मैंने इनकी मदद की और नीलामी में पैसे दिलवाए ताकि दूसरी नौकरी मिलने तक ये आराम से जी सके। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो? लेकिन मैंने किया। आप नहीं कर पाओगे। नहीं, नहीं, ये इस तरह बर्बाद नहीं हुआ। पर अब होगा। शायद वो पतंग कोई और ले गया। इसे पकड़ो। छोड़ो मेरा बैग। बस बहुत हुआ, मुझे मेरी ताकत मिल गई। अभी नहीं, तुमने बदला नहीं लिया। जबकि तुम कुंग फू जानते थे, तुम इन शैतानों को आसानी से मजा चखा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये हमारा नियम था, अपने से कमजोर पर कभी अपनी ताकत मत आजमाओ। मुझे उस नियम का पालन करना था। पर तुमने नहीं किया है ना? क्योंकि अब तुम सारे नियम तोड़ रहे हो। वहाँ भी तोड़ कर आओ। बचपन में दिखा दो अपनी हैवानियत। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ असली शैतान बनने का। तो तुमने आसान रास्ता चुना। नहीं, वो बात नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा जब मेरे पास होंगे। मुझे तुम पर यकीन नहीं है जॉश। तुम्हें अपनी ईमानदारी से ज्यादा पतंग जरूरी लगी। नहीं, पर मुझे ये बहुत पसंद है। जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते, इसी तरह हम अपने आप को पहचान पाते हैं। मैंने कहा मैं पैसे दे दूंगा। क्यों ना हम इसे एक साथ वापस करने चलें? क्यों ना हम इसे साथ में उड़ाए? भागो! देखो, वो पावर रेंजर्स हैं, वो तो कमाल के हैं। जल्दी से छिप जाओ, उन्हें दिखना मत। पर क्यों? क्योंकि तुम एक चोर हो और पावर रेंजर्स को चोर पसंद नहीं। पर मुझे पावर रेंजर्स पसंद है। तुम दो तरह के नहीं हो सकते जॉश, या तो अच्छे बनो या फिर बुरे। ठीक है, अब घर जाओ और पावर रेंजर्स को उनका काम करने दो। थैंक्स केसी, और हाँ सॉरी। जंगल बीस्ट स्पिरिट अनलीश्ड। हे चिकने, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमें उसका कीचड़ साफ करना होगा, कोई आइडिया है? हाँ, इसके बारे में क्या कहना है? इस बार मेरे कुछ खास दोस्त साथ आए हैं। हमला! हम इन्हें संभाल लेंगे, तुम उस चिकने से निपटो। ठीक है, वक्त है साफ सफाई का। क्या?
मेरी सारी गंदगी कहाँ गई? जंगल बाउ जंगल छोड़ने का देखो कैसे चमक गया। ओ नहीं, मेरा स्लिपरी स्टाइल चला गया। मिशन कामयाब। रिंची भी गए काम से। तुम्हारी जंग कैसी रही? हाँ बढ़िया। चलो शैतान को भी उसके घर भेज दें। शक्ति के साथ फायर। चल गया शैतान। अच्छा सबक मिला। फिर सोच लो। जब अभी खत्म नहीं, मुझे भी यही लगता है। कब्जा पाना इतना आसान है? कैसी हो आयशी? तुम आ गए और तुम्हारा दोस्त वाकई जबरदस्त है। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। कमील तुम फेल हो चुकी हो। इंसान क्यों मौजूद है? वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपना एक पुराना दोस्त बुलाया और। चुप रहो। तुम ऐसे नाकारा लोगों को कैसे माफ कर सकते हो? इसे सजा दो। देखो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी। और तुम कौन हो तो बीच में बोले?
ये वो दाईशी नहीं जिसे मैं प्यार करती थी, इस स्पेन मास्टर को हटाना पड़ेगा। उसे भूल जाओ, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। हमारी टेबल से तुम्हारी टेबल ज्यादा साफ सुथरी कैसे है? इजी, मेरे पास आज हेल्पर है। एक और सिक्का हो गई $2.50। क्या बात है, वैसे सही रास्ता आसान रास्ते से ज्यादा खुशी देता है। मुझे भी हेल्पर चाहिए। मुझे भी। एक टेबल का 25 सेंट मिलेगा।